नमस्कार, मेरा नाम प्रकाश है। आप टुडे बिहार न्यूज देख रहे हैं। बिहार की सियासत गरमाई हुई है, महागठबंधन में टूट हो गई और एनडीए की ओर से बड़ा दावा किया जा रहा है कि एनडीए एकजुट है। लेकिन जो बयान एनडीए के नेताओं के सामने आ रहे थे, वो बयान साफ साफ बता रहे थे कि एनडीए में ऑल इज वेल नहीं है। बिहार में विधानसभा का उपचुनाव हो रहा है, बिहार की दो सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। एनडीए ने अपने कैंडिडेट को उतारा तो आरजेडी ने भी अपने कैंडिडेट को चुनावी मैदान में भेजा। अब कांग्रेस भी अपने कैंडिडेट को चुनावी मैदान में भेज चुकी है। बिहार की सियासत गरमाई हुई है क्योंकि यहाँ टक्कर अब त्रिकोणीय हो गई है। कुशेश्वर स्थान और तारापुर में चुनाव होने हैं, चुनाव प्रचार शुरू है। एनडीए नेताओं का जमावड़ा कुशेश्वर स्थान और तारापुर में लगना शुरू हो गया है। तारापुर सीट और कुशेश्वर स्थान दोनों जेडीयू के खाते में गई है। इससे पूर्व भी 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में जेडीयू ने ही दोनों सीटें जीती थी। लेकिन अब बात हम करने वाले हैं मुकेश सहनी की। देखिए, बिहार में एनडीए की सरकार चल रही है मुकेश सहनी और जीतन राम मांझी के बदौलत। बार बार एक खबरें निकलकर सामने आती है, जो बयान सामने आते हैं उससे ऐसा लगता है कि बिहार में एनडीए की सरकार ज़्यादा दिनों तक चलने वाली नहीं है। यूपी में भी चुनाव है और बिहार में भी इसका इफेक्ट साफ साफ देखने को मिलता है और निशाने पर कहीं ना कहीं बीजेपी वाले हो जाते हैं और निशाना मुकेश सहनी जैसे लोग साधते हैं, जीतन राम मांझी जैसे लोग साधते हैं, जिनके बदौलत बिहार में सरकार चल रही है। कह सकते हैं कि बिहार में डबल इंजन की सरकार बैसाखी पर टिकी हुई है। लेकिन अब मुकेश सहनी कह रहे हैं कि जेल से तो लालू यादव उन्हें फ़ोन करते थे, कहते थे कि आ जाओ महागठबंधन में। तेजस्वी यादव दिन में सपना देख रहे हैं और मुकेश सहनी ने भी कहा है कि हम जहां हैं वहीं रहेंगे। क्या कुछ कह रहे हैं जरा आप सुनिए। कि ओबीसी साहब को भी जोड़ लेते हैं तो भी 115 ही है और एक सीट जीत भी लेते तो 116 होता, सरकार कैसे बनेगा? अब लोग रात में सपना देखता है, ये तेजस्वी जी है ना, दिन में ही सपना देख रहे हैं कि हमारी सरकार बन जाएंगे, मांझी जी आ जाएंगे, मुकेश सहनी आ जाएंगे। भैया जब आपके साथ थे तब तो हमको और मांझी जी को कोई कदर ही नहीं था और आप अभी ऐसे कैसे समझ रहे कि आपके पास हम चले जाएंगे? हमको फोन करते थे लालू जी जेल से कि आप बदल दो पार्टी। अरे भैया जब आपके पास थे तब तो आपको हमारा कोई कदर ही नहीं था और आप अभी हमको बोल रहे कि मांझी जी को हमारे साथ आ जाइए, तो ये सपना मत देखिए। मजबूती से माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ हम लोग हैं और नरेंद्र मोदी जी के साथ एनडीए की सरकार है और मजबूती से हम लोग सरकार चला रहे हैं और पूरा विकास का काम होगा। और आप सबको पता है कि यहाँ पे चुनाव जीतने से क्या क्या होगा। हम लोग तो आप देखिए कि दरभंगा में कितने मंत्री या कितने सांसद कितने जनप्रतिनिधि हैं। आज बिहार सरकार में अगर कहा जाए तो चार चार को मंत्री, मदन जी, संजय जी, मैं, रामप्रीत जी, हमारे जिवेश जी, सब हम लोग तो दरभंगा जिला से आसपास से बगल से ही हम लोग हैं। हमारे गोपाल जी, ठाकुर जी, प्रिंस जी, तो हम लोग कितना काम करेंगे। अगर हम लोग जितना मंत्री यहाँ पर उपस्थित हैं, आप लोग अगर पांच पांच को काम लेके आइएगा और सब मंत्री अगर एक एक काम करने लगेंगे तो कोई समस्या बचेगा क्या? नहीं। तो आप कभी भी आप आइएगा। सिर्फ मैं पशु एवं मत्स्य संसाधन का मंत्री नहीं हूँ, मैं बिहार सरकार हूँ और आपके क्षेत्र में जो भी काम होगा, शिक्षा से जुड़ा हो, स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ कोई भी समस्या लेके आधे रात को भी पटना में आ जाइए 6 नंबर आवास पे और किसी से पूछ लीजिए मुकेश सहनी जी का बंगला कहाँ है तो आपको बता देगा। और आप लोग तो घर के आदमी है तो आपको बताने की क्या जरूरत है? कभी भी भूले भटके महीने में एक दो बार तो घर पे आ ही जाते हैं तो कभी भी आपको पटना आने की आवश्यकता ही नहीं, आप तो सुपौल में घर पे आ जाइएगा कि ये समस्या वो समस्या है और इसके लिए दिन रात हम लोग बैठे हैं और काम कर रहे हैं। तो विकासशील इंसान पार्टी के मुखिया व बिहार सरकार के मंत्री मुकेश सहनी का यह बड़ा बयान। उन्होंने सनसनीखेज आरोप लगाए हैं आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर। जेल से ही लालू यादव ने कई बार उन्हें फोन किया और फोन कर महागठबंधन में आने का न्योता दिया। मुकेश सहनी ये भी कह रहे हैं कि अब तेजस्वी यादव दिन में सपना देख रहे हैं, जब हम और मांझी जी महागठबंधन में थे तब तो कोई वैल्यू ही नहीं थी। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे रहे हैं। मुकेश सहनी ने गंभीर आरोप लगा दिए हैं आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर कि वो जेल से उन्हें फोन कर रहे थे। देखना भी दिलचस्प होगा बिहार की सियासत में आखिरकार कब तक बयानबाजियों का दौर जारी रहता है। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।